हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टील। समझने का प्रयास करेंगे कि स्टील क्या होता है। तो स्टील क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। किसी प्लांट के स्टेम का या रूट का जब टीएस कट किया जाता है, टीएस हम लोग कट करते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसमें। सबसे आउटसाइड में एपिडर्मिस, उसके बाद में होगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। उसके बाद में आपको दिखेगा एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद में वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम दिखेगा। उसके बाद में लास्ट सेंटर में आपको दिखेगा पिथ। पिथ हो भी सकता है, पिथ नहीं भी हो सकता है ना। तो स्टील क्या होता है, तो स्टील जाइलम, फ्लोयम, पेरिसाइकिल और पिथ, इनको मिला करके हम लोग स्टील टर्म यूज करते हैं। इन सब के लिए कलेक्टिवली हम लोग क्या टर्म यूज कर लेते हैं, स्टील। तो स्टील क्या होता है, तो स्टील होता है आपका कोर ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोयम, पेरिसाइकिल एंड पिथ। पिथ को मेडुला भी बोलते हैं। तो ये जो पिथ होता है, पिथ अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, पिथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टीलर थ्योरी दिया किसने था, तो स्टीलर थ्योरी वॉन टिगमैन एंड डूलियट, ये इन दोनों लोगों ने मिलके ये स्टीलर थ्योरी दिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टील क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब अगला है टाइप्स ऑफ स्टील, कितने टाइप के स्टील्स होते हैं, ठीक है। तो स्टील को पहले हम लोगों ने दो क्लास में डिवाइड किया, दो कैटेगरी दिया। क्यों, किस बेसिस पे, तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिथ। अगर पिथ एब्सेंट है तब प्रोटो स्टील होगा, और अगर पिथ प्रेजेंट है तब उसको हम लोग साइफोनो स्टील बोलेंगे, है ना। यानी कि जाइलम, फ्लोयम प्लस पेरिसाइकिल केवल इतना है, और पिथ एब्सेंट है तब उसको प्रोटो स्टील बोलेंगे। और अगर जाइलम, फ्लोयम, पेरिसाइकिल के अलावा पिथ भी उसमें प्रेजेंट है तब उसको हम लोग साइफोनो स्टील बोलेंगे, ठीक है। प्रोटो स्टील फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे सिंपल हैप्लो स्टील, सेकेंड है आपका एक्टिनो स्टील, फिर प्लेक्टो स्टील, फिर मिक्स्ड प्रोटो स्टील। होता क्या है, जब इसको आगे हम लोग स्ट्रक्चर से भी देख लेंगे, देन साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील की दो कैटेगरी हम लोगों ने बनाया है। एक है फ्लोयम के पोजीशन पे एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, दूसरा है उसका मॉडिफिकेशन। साइफोनो स्टील का ही मॉडिफिकेशन है सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, है ना। इन्हीं सभी को बारी बारी से देखना है। तो पहले हम लोग सीधे सीधे स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर से ही सीधे देख लेंगे। सब फर्स्ट आपका है हैप्लो स्टील। प्रोटो स्टील में हैप्लो स्टील, ठीक है। हैप्लो स्टील में क्या है कि ये पूरा का पूरा जाइलम है। इस पूरे जाइलम को आउटर साइड से फ्लोएम क्या किया है, कवर किए हुए है ना। चारों तरफ से फ्लोएम इसको कवर किया हुआ है ना। पिथ नहीं होगा ये चारों आपके हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, चारों में पिथ नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्रोटो स्टील के ही टाइप्स हैं। तो हैप्लो स्टील जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम इंटायरली। सेकेंड आपका है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील इसमें केवल एक चीज आपको याद रखना है कि जो जाइलम होगा वो स्टीलेट होगा, ठीक है। स्टीलेट होगा यानी स्टार शेप्ड होगा। जाइलम क्या होगा, स्टार शेप्ड होगा। तो इससे हम लोग पहचान जाएंगे जब जाइलम का शेप स्टार शेप होगा या स्टार की तरह होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्टिनो स्टील। बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी। देन प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील में क्या होगा,
लैक्टोस्टिल में जो जाइलम होगा वो प्लेट्स के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है। ये जाइलम की प्लेट है, ये जाइलम की प्लेट है, ये जाइलम की प्लेट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट जाइलम की प्लेट्स होती है, ठीक। ये आपका जाइलम का प्लेट है, ये जाइलम प्लेट है, और ये जो दिख रहा है जिसमें ये फैला हुआ, ये आपका फ्लोयम है। यानी ये जो जाइलम की प्लेटें होती है वो फ्लोयम में होती है, यानी कि पहले जाइलम है फिर अल्टरनेट करके आएगा, जाइलम फिर फ्लोयम फिर जाइलम फिर फ्लोयम, ठीक। फोर्थ आपका है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में आपका वैस जो जाइलम होगा, वैस्कुलर बंडल में जाइलम जो होगा वो स्कैटर्ड होगा, ठीक है। ये स्कैटर्ड है पूरा का पूरा, ये जाइलम, ये पैचेस फॉर्म, ये सब जाइलम है, और किसमें ये स्कैटर्ड है, तो ग्राउंड मास जो बना हुआ है ये आपका फ्लोयम है, ये जो ग्राउंड मास है ये फ्लोयम है, इसी फ्लोयम में जाइलम क्या किया है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, ठीक है, पैचेस के फॉर्म में, ठीक। इसी का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। प्रोटोस्टिल पिथ नहीं होगा, नो पिथ, डिफरेंट टाइप के हम लोग देख लिए। तो हेप्लोस्टिल है इसका एग्जांपल, हेप्लोस्टिल में क्या होगा, तो जाइलम को फ्लोयम पूरी तरह से कवर किए होगा चारों तरफ से। एग्जाम्पल है राइनिया, सिलेजिनेना, लाइकोपोडियम, एक्टिनोस्टील, स्टार शेप्ड होगा जाइलम, स्टीलेट होगा। एग्जाम है साइलोटम, लाइकोपोडियम सेरेटम। प्लेक्टोस्टील प्लेट के फॉर्म में होगा, पैरेलल प्लेट्स होंगे, कौन होगा, जाइलम, जाइलम पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम पोलुबाइल। इसके बाद है आपका मिक्स प्रोटोस्टिल, इसमें क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, जो जाइलम होगा जाइलम स्कैटर्ड होगा, ठीक है, किसमें, फ्लोयम में, मास ऑफ फ्लोयम, फ्लोयम का मास होगा उसमें। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सेरनम, लाइकोपोडियम सेरनम, ठीक है। देन ये पहला टाइप था प्रोटोस्टील के डिफरेंट टाइप्स। पहला हम लोग का था प्रोटोस्टील जिसमें पिथ एब्सेंट था, और उसमें चार थे हेप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। इसके बाद में आपका है दूसरा टाइप, दूसरा टाइप आपका कौन सा है, तो साइफोनोस्टील, ठीक है। सेकेंड हम लोग का है साइफोनोस्टील। तो साइफोनोस्टील और प्रोटोस्टील में क्या बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे पिथ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, सेंट्रल पिथ होगा, ठीक है, यहाँ पे पिथ क्या होगा, प्रेजेंट होगा साइफोनोस्टील में, ठीक। फिर इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं, तो पहली कैटेगरी है पोजीशन ऑफ फ्लोयम, फ्लोयम का पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे साइफोनोस्टील को हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया दो ग्रुप में, एक आपका हो गया, या दो टाइप में कर लिया, एक्ट्रोफ्लोइक साइफोनोस्टील और सेकेंड आपका एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, ठीक है। जब जाइलम के आउटर साइड में, एक साइड में केवल फ्लोएम होगा, ये आपका जाइलम है, इस जाइलम के एक साइड में फ्लोएम है, उसी के आगे फ्लोएम के बाद पेरिसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस होगा, ठीक है। तो जब जाइलम के केवल एक साइड में और आउटर साइड में फ्लोएम होगा, तब उसको बोलेंगे एक्टोफ्लोइक, ठीक है, नाम से ही है एक्टोफ्लोइक, बाहर साइड में, आउटर साइड में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, ठीक है, क्योंकि पिथ प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है इसका एक्विसिटम, ऑस्मुंडा, साइजिया। सेकेंड आपका है एम्फीफ्लोइक, तो एम्फीफ्लोइक में क्या होगा, एम्फीफ्लोइक में जाइलम बीच में होगा, उसके आउटसाइड से और इनसाइड दोनों साइड से, आउटर साइड से भी और इनर साइड से जाइलम को फ्लोयर फ्लोयम कवर किया होगा, यानी कि जाइलम के आउटसाइड में भी फ्लोयम होगा और इनसाइड में भी फ्लोयम होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगा, इनर फ्लोयम का लेयर आएगा, इनर पेरिसाइकिल होगा और इनर एंडोडर्मिस होगा। इसके बाद में आपका जाइलम होगा, जाइलम के बाद फिर उसी तरह से आउटर फ्लोयम, आउटर पेरिसाइकिल और आउटर एंडोडर्मिस, यानी कि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील जाइलम को फ्लोयम आउटसाइड से कवर करेगा, या फ्लोयम जो होगा वो जाइलम के आउटर साइड में होगा। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, इसमें जाइलम बीच में होगा, आउटर साइड और इनर साइड दोनों आप फ्लोएम होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील का, तो मार्सिलिया, मार्सिलिया के राइजोम में ये मिलता है, एडियंटम ड्रायोप्टेरिस, ठीक है।
देन कुछ मॉडिफिकेशन भी है इसके, ठीक है, साइफोनोस्टिल के कुछ मॉडिफिकेशंस भी है। अब ये मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो एक है आपका सोलेनोस्टिल, डिक्टियो स्टील, और थर्ड आपका है पॉलीसाइक्लिक स्टील। थर्ड आपका क्या है? पॉलीसाइक्लिक स्टील, ठीक है। स्ट्रक्चर्स केवल सीधे हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं सोलेनो स्टील, फिर उसके बाद में देखेंगे डिक्टियो स्टील। होता क्या है कि सोलेनो स्टील में लीफ गैप आ जाता है, वो एकदम एक तरीके का मॉडिफिकेशन है साइफोनो स्टील का, तो रहेगा तो साइफोनो स्टील की तरह ही, लेकिन उसमें डिफरेंस आएगा, लीफ गैप प्रेजेंट होगा। तो जब एक लीफ गैप प्रेजेंट होगा तब उसको सोलेनो स्टील बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा लीफ गैप हो गया तो वो हो जाएगा आपका डिक्टियो स्टील, ठीक है। अब लीफ गैप क्या होता है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। है क्या कि सपोज करिए स्टेम है, ये स्टेम के सेंटर में वेस्कुलर टिश्यू होंगे, ये वेस्कुलर टिश्यू है, तो और यहां से लीफ निकला हुआ है, तो जो लीफ का वेस्कुलर सिलेंडर होगा उसका कनेक्शन स्टेम के वेस्कुलर सिलेंडर के साथ होगा, लीफ के वेस्कुलर सिलेंडर का कनेक्शन स्टेम के वेस्कुलर सिलेंडर के साथ होगा। तो अगर हम लोग इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से को लेते हुए स्टेम का टीएस कट करें, ठीक है, इस पॉइंट से टीएस कट करें, थोड़ा सा और हम लोग क्लियर बना लेते हैं। ये रहा, यहां से आपका ये लीफ निकला हुआ है, ठीक है, इसका जो लीफ का जो वेस्कुलर सिलेंडर होगा उसका कनेक्शन स्टेम के वेस्कुलर सिलेंडर के साथ होगा, यहाँ पे इसके कनेक्शन है। अगर हम लोग यहां से टीएस कट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेगा, बीच में ये वेस्कुलर बंडल हो गया या वेस्कुलर सिलेंडर हो गया, ठीक है, और जहां पे ये लीफ अटैच है वो वाला पॉइंट जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे, वो भी तो आएगा उसमें, तो उसको बोलेंगे लीफ ट्रेसेस। लीफ यहां से हम लोग कट करेंगे इसको, तो ये वाला जो पॉइंट होगा जहां पे लीफ अटैच है स्टेम से वो आपका होगा लीफ ट्रेसेस। और क्योंकि इसका जो वेस्कुलर बंडल है, इसका वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिलेंडर स्टेम के वेस्कुलर सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है, तो इस वाले पॉइंट पे स्टेम के वेस्कुलर बंडल में गैप आ जाएगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा, और उसी गैप को बोला जाएगा लीफ गैप। तो जब हम लोग लीफ गैप को दिखाएंगे तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया आपका स्टेम, इसमें बनाएंगे तो ये इस तरीके का बनेगा, ये हो गया लीफ ट्रेसेस, ये आपका हो गया लीफ ट्रेसेस। और क्योंकि यहां से कनेक्शन है लीफ के वेस्कुलर सिलेंडर का कनेक्शन, यहां से स्टेम के वेस्कुलर सिलेंडर से है, तो यहाँ पे गैप बन जाएगा, तो इसी गैप को बोला जाएगा लीफ गैप। तो जब लीफ गैप आ जाएगा, एक लीफ है तो लीफ गैप एक ही आएगा, तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे सोलेनो स्टील, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सोलेनो स्टील है क्योंकि यहाँ पे कितना है, एक लीफ गैप है, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्टेम है और स्टेम में एक ही पॉइंट से पूरे साइकिल फॉर्म में लीफ निकला हुआ है, जब यहां से हम लोग इसको कट करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा लीफ ट्रेसेस आएगा और बहुत सारा लीफ गैप भी आ जाएगा, ये पूरा का पूरा लीफ गैप आ गया, तो इसमें जो वेस्कुलर सिलेंडर होगा वो वेस्कुलर सिलेंडर हो जाएगा, वो कई स्ट्रैंड में हो जाएगा, एक दो तीन चार अलग अलग स्ट्रैंड में हो जाएगा, जाइलम फ्लोएम सब अलग अलग स्ट्रैंड में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिक्टियो स्टील। थोड़ा सा डिफरेंस है, साइफोनो स्टील में अगर लीफ गैप है, सिंगल लीफ गैप आया तो वो सोलेनो, और अगर उसमें क्या हो गया, लीफ गैप एक से अधिक है, मोर देन वन है, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग स्ट्रैंड हो जाएंगे, सेपरेट वेस्कुलर सेल स्ट्रैंड हो जाएगा, और उसके कारण से, ठीक है, सेपरेट वेस्कुलर स्ट्रैंड, और उसके कारण से उसमें बहुत सारे स्ट्रैंड हो जाएंगे, ठीक है। क्यों होगा ये, तो क्राउडेड लीफ गैप, मतलब एक से ज्यादा लीफ गैप हो जाएगा, और हर एक वेस्कुलर स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे मेरी स्टील। क्या बोलेंगे? मेरी स्टील। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये है मेरी स्टील, इसको बोलेंगे मेरी स्टील, ये आपका क्या है, मेरी स्टील, ये क्या है, मेरी स्टील, ठीक है। तो
सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देन लास्ट आपका है पॉलीसाइक्लिक स्टील, इसमें क्या होगा, रिंग होगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग होगा वैस्कुलर सिलेंडर का या वैस्कुलर बंडल का कॉन्सेंट्रिक रिंग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सीधे सीधे एग्जाम्पल में देख लिया जाए, ये आपका ये वाला जो वैस्कुलर बंडल है ये आपका सोलेनो स्टील है और अंदर साइड में जो है वो साइफोनो स्टील है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग में दो वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग में दो वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी वैस्कुलर बंडल का दूसरा के लिए इधर भी वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल दिख रहा है। तो इस तरीके का जब कंडीशन होगा, अब क्योंकि यहाँ पे लीफ गैप एक है तो इसको बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील, और यहाँ पे लीफ गैप एक से अधिक है तो इसको बोला जाएगा पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। ये आपका पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, सोलेनो स्टील, और ये आपका पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। कभी कभी स्टील का जो स्ट्रैंड होता है एक से ज्यादा हो जाता है या एक से अधिक स्टील ही होते हैं, तो उस केस में हम लोग उसको टर्म यूज करते हैं पॉली स्टील। उस केस में उसको क्या यूज किया जाता है, पॉली स्टील। सिलेजनेला के कुछ स्पीसीज में दिखाई देता है पॉली स्टील। ठीक, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, स्टील क्या होता है, तो जाइलम फ्लोयम पेरिसाइकिल और पित्त को मिला करके हम लोग बोलते हैं स्टील। यहाँ पे है फ्लोयम, पेरिसाइकिल है, पिथ है और जाइलम, इसको मिला के बोलेंगे स्टील। पिथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बेसिस पे दो कैटेगरी है, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होगा, साइफोनो स्टील में पिथ प्रेजेंट होगा। फर्दर प्रोटो स्टील डिफरेंट टाइप्स के, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स प्रोटो स्टील। हैप्लो स्टील में क्या है, जाइलम को फ्लोयम आउटसाइड से पूरी तरह से कवर किया रहेगा। एक्टिनो स्टील में जो जाइलम होगा वो स्टार शेप्ड होगा, प्लेक्टो स्टील में प्लेट के फॉर्म में जाइलम होगा, और मिक्स्ड प्रोटो स्टील में पूरा का पूरा जाइलम पैचेस के फॉर्म में फ्लोयम में स्कैटर्ड होगा। ठीक है, साइफोनो स्टील को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करेंगे एक आप पोजिशन ऑफ फ्लोयम, फ्लोयम के पोजिशन के बेसिस पे हम लोगों ने किया, तो एक्टोफ्लोइक, जब फ्लोयम जाइलम को आउटसाइड से चारों तरफ से कवर कर ले, मीन्स जाइलम जाइलम के आउटर साइड में फ्लोयम पूरा कवर किए है, तो वो आपका एक्टोफ्लोइक होगा, यानी जाइलम के आउटसाइड में फ्लोयम होगा एक्टोफ्लोइक। और एम्फीफ्लोइक में क्या होगा, जाइलम के आउटसाइड में भी और इन साइड में भी, आउटर साइड भी और इनर साइड भी, दोनों साइड में फ्लोयम होगा, तब उसको बोलेंगे एम्फीफ्लोइक, यानी जाइलम बीच में होगा और दोनों साइड फ्लोयम होगा। ठीक है, देन दूसरा कैटेगरी है सोलेन साइफोनो स्टील का, उसमें हम लोगों ने मॉडिफिकेशन पढ़ा है, तो मॉडिफिकेशन क्या है, तो यही दो तीन है, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील। सोलेनो स्टील में लीफ गैप आ जाएगा, होगा ये साइफोनो स्टील ही, बस उसमें क्या होगा, लीफ गैप प्रेजेंट होगा। जब एक से ज्यादा लीफ गैप हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्टियो स्टील, क्योंकि उसमें वैस्कुलर सिलेंडर कई स्ट्रैंड के फॉर्म में बट जाएगा, और हर एक स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे मेरी स्टील। देन पॉलीसाइक्लिक, इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग में दो एक से अधिक, मोर देन वन साइकिल होगा स्टील का। सपोज करिए ये हो गया एक साइकिल, एक दो साइकिल, एक दो दो से ज्यादा भी हो सकता है, जब इसे यह कंडीशन होगा, यानी स्टील का ही दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक, नाम ही है पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, पॉली साइक्लिक, साइकिल मतलब बहुत सारा रिंग होगा, रिंग होगा, और पॉली मतलब ज्यादा होगा। ठीक है, दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा या दो है तो पॉली साइक्लिक स्टील इसको बोल देंगे। अब अगर इसमें पॉली साइक्लिक स्टील में भी अगर एक लीफ गैप है तो उसको सोलेनो स्टील बोल देंगे, पॉली साइक्लिक सोलेनो स्टील, और अगर एक से ज्यादा लीफ गैप है तब उसको हम लोग बोल देंगे पॉली साइक्लिक डिक्टियो स्टील। ठीक है, सारे का जितना भी हम लोग अभी किए हैं उन सबका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में वही पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।